ये खबर तो सभी ने सुनी होगी कि 20 तारीख वो भी फरवरी के YouTube कई सारे चैनल्स का मोनेटाइजेशन बंद करने वाला था। उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। और कहीं ना कहीं सभी यूट्यूबर्स के फेस, जो नए यूट्यूबर्स के हैं फेस, वो ऐसे हो गए होंगे। अब मैं लिए चलता हूँ, आखिर मुझे मेल आया है YouTube की तरफ से। मेरा जो दूसरा चैनल था जिससे मैंने स्टार्ट तो काफ़ी पहले से किया था, लेकिन बहुत ही कम कभी कभी वीडियोस डालता था, यानी कि एक्टिव नहीं था बहुत ज़्यादा उस पर। और YouTube के नए जो पॉलिसीज है उसके हिसाब से 1,000 सब्सक्राइबर्स पिछले 12 महीने में होने चाहिए, और साथ ही साथ आपके 4,000 घंटे होने चाहिए वॉच टाइम, ठीक है। तो मेरा दोनों क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा था, तो इसलिए जो मेरा मोनेटाइजेशन है वो 1 महीने का जो वक्त दिया गया था फरवरी 20 तारीख तक का, वो हो चुका है। सीधी सी बात है 21 तारीख को, और ये मोनेटाइजेशन में बंद हो गया है। मैं आपको ले चलता हूँ मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल, ये देख सकते हैं, क्रिकेट वर्सेस बॉलीवुड, ठीक है। क्रिकेट वर्सेस बॉलीवुड पर लेकर आया हूँ। वहाँ पर देख सकते हैं व्यूज़ बिल्कुल ना के बराबर थे। मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर भी नहीं था यहाँ पर, मैं कुछ इंग्लिश में कंटेंट अपलोड करता था और बॉलीवुड के और क्रिकेट के बारे में कभी कभी बता देता था, अगर वो सिर्फ हिंदी में, और बॉलीवुड की खबरें इंग्लिश में, तो व्यूज़ आ जाते थे कभी कभी थोड़े बहुत, लेकिन कुछ पैसे वैसे कुछ उतने ज़्यादा नहीं बनते। बस स्टिल मुझे ऐसा लगा कि इंग्लिश में कंटेंट बनाना चाहिए, तो इसलिए मैं बनाने लगा था, बट बहुत रेगुलर नहीं था। तो उनके रूल्स के हिसाब से जो यहाँ पर ग्रीन सिग्नल था मोनेटाइजेशन का, ये हट गया है। और मैं यहाँ पर कम्युनिटी ये चैनल पर लेके आता हूँ, चैनल ऑप्शन में, ताकि आपको बता दूँ कि आखिर ये हट क्यों गया और क्या ऑप्शंस अभी आ रहा है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं मोनेटाइजेशन अनेबल्ड हो गया, नॉट एनेबल्ड, ठीक है। और इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ लर्न मोर पे, तो या फिर एनेबल पे क्लिक करता हूँ, तो कुछ आएगा, देखिए। योर मोनेटाइजेशन नॉट एनेबल्ड, यू कैन अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन वंस टू बी अप्रूव्ड एटलीस्ट 4,000 आवर्स इन द प्रीवियस 12 मंथ एंड 1,000, यानी कि अगर मुझे वापस से अप्लाई करना है या फिर मेरा प्रॉपर होना है, चाहिए मुझे, तो मेरे पास 12 महीने में 1,000 के ऊपर सब्सक्राइबर्स और 4,000 घंटे का वॉच टाइम, यानी कि जिन लोगों का ये एक एक बहुत पहले एक नया था कि सिर्फ 10,000 व्यूज़ होने चाहिए तो हो जाएगा, तो वो मेरा एक और चैनल पे था, उस पर हो गया था, बट उसके बावजूद एक्टिवेट नहीं हुआ, तो मुझे लगा कुछ तो डाउट है। लेकिन उसके बाद ये चीज़ें क्लियर हो गई कि 4,000 घंटे का वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर्स भी चाहिए। ये उनका नया 2018 के लिए है। अब आप लोग सोचोगे कि यार ये यार यूट्यूब ये क्या कर रहा है, यूट्यूब क्या पागल हो गया कि हमारे जो हमारी इतनी मेहनत है तो उस पर तो पानी फिर गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो यूट्यूब कर रहा है उसका एक लॉन्ग टर्म फायदा होने वाला है सभी को, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। हम सीधा एक अपना ओपिनियन बयान लगते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो क्या पैशनेटली कर रहे हैं। क्योंकि मैं यूट्यूब पे जो एक क्रिकेट वर्सेस बॉलीवुड है जिसपे जो सोच के बनाया था, उस पर मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाता था प्रॉपर, नहीं कर पाता हूँ अभी भी, ठीक है। लेकिन ज़रूर मैं अपलोड करना चालू करूँगा, बट स्टिल नहीं हो पाता है क्योंकि कॉम्पिटिशन्स बहुत है, वक्त भी नहीं रहता और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप एक चैनल पर ध्यान दोगे, हर चैनल पर नहीं दे पाओगे। तो मैं सोचा कि कुछ आई थी एक्स्ट्रा, अगर मेरे से अर्निंग होती तो अच्छी बात, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा अर्निंग का सोर्स है नहीं, तो मैंने इसलिए इस सब सोच के चालू किया था, बट मोनेटाइजेशन छीन लिया। लेकिन कोई बुरी बात नहीं, इसका मतलब ये है यूट्यूब चाहता है जो बहुत ही ज़्यादा लोग एक्साइटेड है या फिर जिनको सही में बहुत चाहत है यूट्यूब में बने रहने की, और जो मेहनत करते हैं वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं, तो उस हिसाब से उनका कहना भी सही है। यानी कि जो एक्चुअली मेहनत करता है उन तक जो पैसे पहुंच नहीं रहते, क्योंकि बहुत सारे स्पैमर आ गए थे, बहुत सारे फेक चैनल्स बन रहे थे, बहुत सारे ऑटोबॉट हो रहे थे, यानी अपने आप क्लिक क्लिक बेट वाला सिस्टम हो रहा था, बहुत सारे सब फॉर सब यहाँ वहाँ से व्यूज़ बटोर रहे थे। तो यहाँ वहाँ से व्यूज़ बटोरने पर क्या हो रहा था, जो एडवर्टाइज दिख रहे थे लेकिन एडवर्टाइज को नुकसान हो रहा था क्योंकि वॉच टाइम नहीं आ रहा था और वो फेक व्यूज या इस तरह के। तो ये सब चीज़ों को हटाने के लिए यूट्यूब ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। इससे क्या होगा, जो यूट्यूबर्स अब बचे होंगे उनकी अर्निंग थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, या फिर जो अच्छे मेहनत करने वाले यूट्यूबर्स हैं उनकी अर्निंग बेहतर होगी। इससे पहले क्या होता था कि जो हमारी जो अर्निंग्स है उसमें से 80 से 90% जो बुरे यूट्यूबर्स है या जो जो फेक तरह से वीडियोज डालते थे उनके पास चली जाती थी, यानी कि हमारी मेहनत करने के बावजूद ना तो हमारा वीडियो सुपर आता था ना तो हमें अर्निंग का कुछ रेवेन्यू मिलता था। तो ये मेरी कहानी नहीं, हर एक की कहानी थी, तो वो एक बहुत अच्छा चीज़ किया है। इसीलिए जो भी चीज़ आप करिए निराश मत होइए, क्योंकि जैसे ही आपके 1,000 सब्स हो जाएंगे वो इजी है, 4,000 वॉच टाइम अगर आप मेहनत करके डाल दें और दिमाग लगा के अच्छे से, तो आपका चलेगा चलेगा अच्छा चलेगा। तो वो एक आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें मुझे इसलिए आपको बताना था ताकि जिनका कम यूट्यूबर्स यानी वीडियोज़ है या जिनके सब्सक्राइबर्स उतने नहीं हैं, तो निराश मत होइए, मेहनत करिए। और बोलते हैं ना, मेहनत का फल देर में मिलता है लेकिन बेहतर मिलता है। मेरे मेरे पास तो एक ही अर्निंग सोर्स है, तो सभी को पता है, बॉलीवुड क्रेजी से।
तो मुझे ही पता है अगर मैं वो भी अर्निंग सोर्स खत्म हो गया तो मेरे साथ क्या होगा। बट स्टिल आपको रिस्क अगर लेना है यूट्यूब पे तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मेरा तो यही कहना है आपको, आप इसके अलावा और भी ऑप्शंस देखते रहिए, क्योंकि एक पर डिपेंड रहना बहुत ही ज़्यादा खतरे से खाली नहीं है। यानी कि आप समुद्र में चल रहे हो और आपका पैर एक दूसरे पतवार पे तो दूसरा दूसरे पतवार पे, ऐसा मत रखिए, एक ही नाव में रहिए ताकि चांसेस ज़्यादा हो आपके स्ट्रांग होल्ड तरह से जाने के लिए। यानी कि कोशिश करते रहिए कि ऑप्शंस और भी देखिए, मतलब सिर्फ यूट्यूब के भरोसे पे रहेंगे कि व्यूज़ बढ़े, मोनेटाइजेशन हो, पैसे मिले, तो बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। मेरा वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ यही था कि आप लोगों को मोटिवेट करूँ, ना कि निराश करूँ। और ये बिल्कुल जो भी कर दे बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एडवर्टाइजर्स के पैसे हैं वो अगर उनको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, एडवर्टाइजर्स प्रॉपर एड्स शो नहीं कर पाएंगे, तो यार उसका नुकसान हमसे भी होगा, क्योंकि वो पैसे ही कम देगा। फिर जब पता चलेगा उसको कि फेक व्यूज़ हमारे आ रहे हैं यूट्यूब पर, ऐसा पता चलेगा, तो वो हमारे खुद के पैसे कम कर देगा। तो यानी कि वो एडवर्टाइजर्स उनके लिए प्रायोरिटी है, हम जो है उतना प्रायोरिटी नहीं है। हम प्रायोरिटी है, लेकिन सबसे पहले यूट्यूब एडवर्टाइजर्स है। तो ये ध्यान दीजिए, आपको लगता है जो वीडियो को मोनेटाइज करना चाहिए उसी वीडियो को करिए, हर वीडियो को ना करिए, तो ये भी एक मेरी रिक्वेस्ट है। इससे क्या होगा, सभी को बेहतर फायदा होगा। आई होप आपको वाला वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब एक अच्छा फेज चालू हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्पैमर्स वगैरह सब चले गए हैं। अब आपकी मेहनत रंग लाएगी और धीरे धीरे देखना आपको उससे कितना फायदा होगा, ये मेरा दावा है। इसलिए यूट्यूब को जो चालू रखे हैं वो छोड़िए मत, क्योंकि ये बहुत ही सही टाइम है। अगर आप लोग को लगता होगा नहीं यार अब खत्म हो गया कैरियर, तो नहीं, ये एक्चुअली स्टार्ट है यूट्यूब के आपको कैरियर बनाने, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा स्पैमर्स चले गए हैं जो बकवास वीडियोस बनाते थे। आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।